तो जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। तो चलो फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सलार की एंडिंग पर बात करने से पहले हमें मूवी में जो पूरा खानसार साम्राज्य दिखाया गया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खानसार इस साम्राज्य की शुरुआत हुई थी आज से तकरीबन 1000 साल पहले। एग्जैक्ट टाइमलाइन की बात करें तो वो है 1127। उस टाइम पर कुछ लुटेरे हुआ करते थे जो कि बस्तियों को लूटते थे और वहां पर निर्विरोध राज करते थे, और वहां से जो भी उन्हें पैसा खजाना जो कुछ भी मिलता था वो खानसार में लेकर जाते थे। खानसार अभी एक ऐसी जगह है जो कि पहाड़ों और समुद्र के बीच में है। अब मूवी में खानसार के लोकेशन के बारे में तो हमें इतना ही सुनने को मिलता है, लेकिन मूवी में एक सीन था जहां पर कि खानसार के कर्ता यानी कि शिव मन्नार वो भारत के आजादी के बाद भारत के नक्शे से खानसार को मिटाने जब वहां पर जाते हैं तब वहां पर हमें देखने मिलता है कि पाकिस्तान और गुजरात में जो कच्छ है उसके आसपास ही कई समुद्र के बीच में खानसार है। अब बात करते हैं एक छोटे से खानसार को इतना बड़ा साम्राज्य बनाने की शुरुआत करने वाले तीन कबीलों के बारे में। तो मूवी में हमें तीन कबीलों के बारे में बताया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है। मन्नार कबीला, शौर्यांग कबीला और घनियाल कबीला, ये तीनों ही कबीले मिलकर रूल किया करते थे पहले, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनकी आने वाले जनरेशन कैन डू जनरेशन है। अब ये खानसार साम्राज्य इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था कि ब्रिटिशर्स जिन्होंने की पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी रूल किया वो भी खानसार साम्राज्य को अपने अधीन नहीं कर पाए। जब जब इन्होंने ये कोशिश की तब तक इन्हीं की सेना का नाश हुआ, और जब 1947 में भारत को आजादी मिली ब्रिटिशर्स से तब वहाँ पर भारत सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, वो था खानसार। और खानसार के प्रेजेंट रूलर शिव मन्नार ने भारत के नक्शे से खानसार को ही मिटा दिया था, और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि भारत का संविधान खानसार पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के जो नीति नियम है वो भारत पर जरूर लागू होंगे। यानी कि वहां से भारत में जितने भी काले धंधे आर्म्स को लेकर ड्रग्स को लेकर जो भी होते थे उनमें खानसार का हिस्सा फिक्स रहता था। अब ऐसा करके उन्होंने खानसार को बहुत ज्यादा पावरफुल और धनवान बना लिया था, और शिव मन्नार को पता था कि ये जो आने वाली जनरेशन है वो कैन डू जनरेशन। कि शिव मन्नार को लगा कि अब इतना ज्यादा पैसा आ गया है तो खानसार साम्राज्य जल्दी मिट भी सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा उतना ही ज्यादा लालच, और ऊपर से इन तीनों ही कबीले के लोगों का इतना ज्यादा वॉयलेंट नेचर। अब वॉयलेंट नेचर और लालच मिल जाए तो पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म भी हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने खानसार के नए नीति नियमों की एक किताब लिखा है जिसका कि नाम रखा गया निबंधन। उस निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक भाग का एक नायक यानी कि एक लीडर चुना गया, और उन सभी नायकों को पहचान के लिए एक एक कड़ा दिया गया। 61 नायकों को एक वोट के बराबर एक कड़ा दिया गया, और 8 खास सरदारों को 3 वोट के बराबर एक एक कड़ा दिया गया। और जो 61 लीडर्स थे जिनके की एक कड़े की कीमत 1 वोट थी उन सभी को कापर कहा गया, जिनमें से कि एक था राज मन्नार का बेटा वर्धा। अब ये खानसार के कर्ता राज मन्नार का बेटा वर्धा मन्नार एक कापर कैसे हो गया वो तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि राज मन्नार के पिता यानी कि शिव मन्नार ने खानसार साम्राज्य को 101 भागों में बांट दिया था और एक निबंधन जो कि खानसार की रूल बुक कह सकते हो तुम उसकी भी रचना करवा दी थी, तो अब उसके मुताबिक तीनों कबीलों में से एक एक राजा को राजा बनना था, सॉरी कर्ता बनना था। कि शिव मन्नार ने पहले तो 15 वोट लेकर खुद को कर्ता घोषित कर दिया था, लेकिन अब इसके बाद बारी थी शौर्यांग कबीले के किसी एक बंदे की। लेकिन शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि उसकी जगह पर उसके पिता की गद्दी पर और बैठे, इसलिए राज मन्नार ने शौर्यांग कबीले के खिलाफ एक चाल चली। इसलिए मोदी जी ने कहा था कैन डू जनरेशन। तो राज मन्नार ने ऐसा किया कि पूरे शौर्यांग कबीले के जितने भी लोग थे यानी कि बूढ़े बच्चे जवान उन सारे लोगों को ही रात में सोते हुए ही मरवा दिया। अब ये शौर्यांग कबीले के लोग और जो इनका लीडर है वो फिजिकली कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है इसके लिए हमें मूवी में दो डायलॉग सुनने को मिलते हैं। पहला तो राज मन्नार खुद कहता है कि इन सभी को सोते हुए ही मारना होगा, अगर इनमें से कोई भी एक भी इंसान बच गया तो शौर्यांगों का बदला काफी ज्यादा भयानक होगा। और दूसरा तब जब राज मन्नार कहता है कि इन सारे लोगों को मारना पड़ेगा तब वहां पर एक बंदा बोलता है कि क्या हम उनका मुकाबला भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार राज मन्नार ने शौर्यांग कबीले को जड़ से ही मिटा दिया, और उसके बाद जो एक कबीला बचा यानी कि वो ईगल के साइन वाला कबीला उसके साथ स्टेबिलिटी बनी रहे इसलिए राज मन्नार ने काफ़ी खास चाल चली। जो उसके 8 खास सरदार थे उनमें से 5 को तो उसने डोरियांग कबीले से ही लिया, और बाकी जो 3 अहदे बचे वहाँ पर उसने अपने ही परिवार के लोगों को बिठा दिया। और फिर राज मन्नार ने खानसार के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना ली और अपनी खुद की एक आर्मी बना ली। इससे खानसार साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, पावरफुल बन गया। अब राज मन्नार के कर्ता बनने के बाद भी खानसार में कापुरों और सरदारों के बीच मतभेद तो चलते ही रहते थे, लेकिन खानसार में राज मन्नार का इतना ज़्यादा खौफ था कि कोई भी खुलकर नहीं बोल पाता था। अब आई होप कि तुम खानसार साम्राज्य और उसके इतिहास और उसकी राजनीति के बारे में बिल्कुल अच्छे से जान गए होगे। तो चलो अब बात करते हैं मूवी की एंडिंग के बारे में, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ध मन्नार जो कि खानसार के कर्ता राज मन्नार का बेटा है वो अभी तक खानसार का कापर कैसे बना रहा,
क्योंकि वर्धा ने अपने बचपन में अपने दोस्त देवा और उसकी माँ की जान बचाने के लिए अपनी एक टेरिटरी को ही सौंप दिया था। बस इसलिए राजमन्नान ने गुस्सा होकर वर्धा को खानसार का कर्ता बनने की रेस से ही हटा दिया था। और फिर आगे चलकर राजमन्नार के दामाद ने उसको याद दिलाया कि वर्धा भी आपका बेटा है, उसको भी राजा यानी कि खानसार का कर्ता बनना चाहिए। और इसीलिए बाद में खानसार के कर्ता यानी कि राजमन्नार ने ये निर्णय लिया कि खानसार का अगला कर्ता वर्धा बनेगा, लेकिन उससे पहले वो बाहर जाएगा। अब राजमन्नार के खानसार से बाहर जाने पर ही कूटनीतियाँ शुरू हो गई इन सालों की। अब नौबत ऐसी आ गई कि खानसार में वर्धा की जान को भी खतरा होने लगा। तो अब उसको उसकी जान की तो कुछ भी परवाह नहीं थी, लेकिन उसका एक छोटा भाई भी था। उसके लिए उसने अपने दोस्त देवा को याद किया और उसके वो बुलाने भी गया। और बचपन में वर्धा से देवा ने वादा भी किया था कि तू जब भी बुलाएगा मैं आऊँगा, तो इसलिए वो चल पड़ता है। और फिर मूवी की एंडिंग में हमें एक सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाता है। वो ट्विस्ट ये है कि जो देवा है वही शौर्यांग कबीले से बिलोंग करता है। और सिर्फ देवा ही नहीं, जो राजमन्नार का दामाद है वो भी शौर्यांग कबीले से ही बिलोंग करता है। अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि जब राजमन्नार ने शौर्यांग कबीले के लोगों को रात में ही मारने का फैसला किया था, तब वहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी उसके बीच में ही कुछ बच्चों को बचा लिया गया था, जो कि बच्चे आगे चलकर देवा और ये राजमन्नार के दामाद बने। और फिर हमें दिखाया जाता है श्रुति हसन का सीन, जो कि ये सारी स्टोरी सुन रही है बैठकर गाड़ी में। श्रुति हसन कहती है कि क्या देवा जानता है कि वो शौर्यांग कबीले से है और उनके कबीले के साथ क्या क्या हुआ था, और अगर जान गया तो? अब उनको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता चल गया है कि देवा जान चुका है कि वही शौर्यांग कबीले से बिलोंग करता है, क्योंकि भाई बंदे ने लास्ट में एकदम शौर्यांगों वाला पोज दिया है। अब मूवी में हमें एक खानसार के मार्ग के बारे में बताया गया है, जो कि खानसार से जितनी भी चीज़ें बाहर जाती है और जितनी भी चीज़ें अंदर आती है उन सभी पर लगा हुआ होता है। इस मार्ग को जो भी रोकेगा उसको मरना पड़ेगा, और इस मार्ग को बनाने वाला भी देवा ही है। और मूवी में हमें ये भी दिखाया गया कि देवा ने श्रुति हसन को बचाने के लिए इस मार्ग के वाले ट्रक को रोक दिया था। और फिर वर्धा, जो कि खानसार का प्रेजेंट में करता है, उसने ये कहा कि इस मार्ग को बनाने वाला भी वही है और उसको रोकने की हिम्मत भी सिर्फ उसी में ही है, तब उसको मरना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा उसने ही कहा था। भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ के रूल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो गई ये रूल? कितने याद करेंगे हम लोग? लेकिन कुछ भी कहो यार, सलार की वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम टॉप नोच, मस्त। अब इससे आगे की स्टोरी हमें सलार पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पर कि हमें शौर्यांग कबीला वर्सेस मन्नार कबीला देखने को मिलेगा, यानी कि सिंपली देवा वर्सेस वर्धा देखने को मिलेगा। तो चलो भाई, अब इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अब आप लोग सलार पार्ट 2 को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।